नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान में स्वागत है। आज का प्लान 25 बाई 40 फीट के घर के लिए यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में एक बहुत ही शानदार प्लान देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एकमात्र हमारे चैनल पर ही पूरा वास्तु नक्शा बनाकर आपको समझाया जाता है, ताकि भविष्य में जब भी आप अपना घर बनाए तो वास्तु संबंधित कोई भी गलती ना करें। ये जो प्लॉट है, ये कॉर्नर का प्लॉट है। कॉर्नर का प्लॉट उसे कहते हैं जिसके दो साइड रोड या आपकी खुद की जमीन हो, यानी कि आप उसके ओनर हो। प्लॉट के आगे में पश्चिम दिशा जा रही है और इस साइड में दक्षिण दिशा जा रही है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दक्षिण मुखी घर बना सकते हैं या आप पश्चिम मुखी घर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा पश्चिम मुखी ही घर बनाना चाहिए, चाहे पश्चिम दिशा में गली की रोड हो, मेन रोड चाहे ना हो, मगर घर पश्चिम मुखी ही बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है। वास्तु का ध्यान रखकर ही ऐसे प्लॉट में अपने घर का निर्माण करवाइए। बिना वास्तु अगर आप निर्माण कराते हैं तो वो काफी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो जीवन में अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी खुशहाल जीवन जिए, तो वास्तु का ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई है 25 फीट। कितनी? 25। सेम चौड़ाई प्लाट की आप देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक प्लाट 25 फीट है। सेम 25 फीट चौड़ाई है। लंबाई प्लाट की इधर से लेकर यहां तक आपकी 40 फीट है। इस साइड में उत्तर दिशा है। कौन सी? उत्तर, नॉर्थ दिशा है। इस साइड में आपकी साउथ है, जिधर आपकी अदर रोड है, ये भी 40 फीट है। तो प्लाट अपना 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है। 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपको निर्माण करना है तो कैसे करेंगे जानिए। पश्चिम मुखी आपका प्लॉट है तो कभी भी आपको नर्तज्ञ कॉर्नर, ये जो कॉर्नर होता है दोस्तों, ये नर्तज्ञ कॉर्नर माना जाता है। बहुत ज्यादा अशुभ कॉर्नर मानते हैं अगर आप यहाँ पर इसको मुख्य दरवाजा देते हैं। जो प्लाट नर्तज्ञ मुखी प्लाट होते हैं, वो प्लाट भी बहुत ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। ऐसे प्लाट में घर का निर्माण करके नहीं रहना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, सर नर्तज्ञ मुखी प्लाट ले लें क्या? देखिए, कभी भी नर्तज्ञ मुखी प्लाट मत लीजिए। जब तक हो सके आप एक अच्छी दिशा का प्लॉट लें, चाहे 2 रुपए आपके ज्यादा लग जाएं। तो देखिए, यहाँ पर आपको मुख्य द्वार नहीं देना है। मुख्य द्वार या तो आप एकदम बीच में यहाँ पे दे सकते हैं, या आप इस साइड में वायव्य कॉर्नर में मुख्य द्वार दें। तो हमने यहाँ पर अपना मुख्य द्वार दिया है। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, देखेंगे आपकी 9 फीट बाय 7 फीट का बाइक और स्कूटी के लिए पार्किंग रखा गया है। 2 बाइक और स्कूटी आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। उसके बाद में अंदर का मुख्य दरवाजा रहेगा, जिसको हम मुख्य चौखट बोलते हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, वास्तु शास्त्र के अनुरूप आपको अपने ब्रह्म स्थान यानी कि हॉल को रखना है। ये जो हॉल रहेगा, वास्तु का पूरा ध्यान रखकर हॉल का निर्माण करें। कभी भी अपने ब्रह्म स्थान में कोई भी पिलर ना आए, कोई भी तरह का निर्माण ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्गों का आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, तो ब्रह्म स्थान हमेशा बिना निर्माण के रखें, यानी कि ओपन रखें, खाली रखें। हो सके तो आपने देखा होगा, पुराने घरों में ऊपर से आसमान तक ब्रह्म स्थान यानी आपका आंगन खुला रहता था, जो बहुत ज्यादा शुभ होता था, अगर आप पूरे घर को वास्तु के अनुरूप अगर बनाते हैं तो। तो यहाँ पर अपना हॉल हो गया। हॉल इस दीवार से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो ये 18.5 फीट है। 12.5 इधर, 6 फीट का पूजा घर दिया गया है। तो ये 18.5-19 फीट का आपका हॉल रहेगा। 13.5 फीट का इसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक है, काफी बड़ा आपका हॉल रहेगा। कोई भी ओकेजन होता है तो बड़ा हॉल आपके काफी यूजफुल रहता है। इधर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे 4x7 फीट में कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है, जिसका दरवाजा यहाँ है। एक विंडो लेट बाथ की विंडो और वेंटिलेशन फैन है, यहाँ पर खोल दिया गया है। उसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे, एक रूम दिया गया है, 9.5x11 फीट का रूम है। 2 विंडो, एक विंडो इधर और एक विंडो इधर। अच्छा रूम का वेंटिलेशन रहेगा। रूम आपका नर्तज्ञ कॉर्नर का है, तो विंडो के अंदर हमेशा पर्दे लगा के रखें विंडो के ऊपर, क्योंकि नर्तज्ञ मुखी नर्तज्ञ कॉर्नर का जो भी रूम होता है, वो जितना आपका कवर्ड रहता है, उतना घर में धन स्थायी रूप से निवास करता है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, ये आपका सेकंड रूम है, ये भी आपका 9.5x9 फीट का रूम है। एक विंडो आप पीछे की तरफ दे सकते हैं। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ी दी गई है। वास्तु सम्मत पूरी आपकी साउथ वॉल के ऊपर सीढ़ी रखी गई है, जो काफी सही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4x6 फीट का पूजा घर दिया गया है। पूजा घर आपका वास्तु सम्मत दिया गया है। कभी भी बिना वास्तु पूजा घर का निर्माण मत करवाइए। काफी लोगों के ये संदेह रहता है, सर पूजा करते हैं मगर उसका फल नहीं प्राप्त होता। उसका मेन कारण आपका पूजा घर गलत स्थान पर होता है। अगर आप वास्तु सम्मत पूजा घर नहीं बनाते हैं तो घर में बहुत ज्यादा कलह रहती है, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, ठीक आप सामने प्रवेश करेंगे तो बच्चों के लिए यहाँ पर 4x8 फीट का एक स्पेस दिया गया है, स्टडी स्पेस ये। और यहाँ पर आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका
एक रूम दिया गया है 9 फीट का, ये रूम रहेगा। रूम के अंदर आप यहाँ पर हमने एक ओटीएस दिया है 2 फीट का, ताकि अपना वेंटिलेशन रहे। छत के ऊपर एक जाली लग जाएगी, क्योंकि अपने पूर्व दिशा में और अपना उत्तर दिशा में दोनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, तो ये ईशान कॉर्नर यहाँ पड़ रहा है, तो ईशान कॉर्नर को ओपन रखने के लिए जाली दे दी गई है। तो पूरी दीवारें तो वाल तो यहां तक आएगी, बट जाली देने से ईशान कॉर्नर खुल जाएगा, जो बहुत धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला होता है। ईशान कॉर्नर देवस्थान होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इधर प्रवेश करेंगे तो 9.5x12 फीट का रसोई घर दिया गया। दक्षिण में रोड है, तो एक विंडो आप दक्षिण में खोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 कमरे हैं आपके, एक कॉमन लेट बात है, बाइक और स्कूटी, 2 बाइक 1 स्कूटी के लिए पार्किंग है। बड़ा सारा हॉल है आपका 19x13.5 फीट का, और एक स्टडी स्पेस दिया गया, किचन है, पूजा घर, जो भी जरूरत की चीजें होती है ग्राउंड फ्लोर पर, वह सारी इस प्लान के अंदर आपको इंक्लूड करके दी गई है। आई होप, हमें विश्वास है आपको प्लान अच्छा लगा होगा। अगर प्लान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों में भी शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।